और ब्रेन सेल्स बाय बाय। इंडिया शॉक में है। पुलिस ने गोबर जोन को गिरफ्तार कर लिया है, जिस वजह से उनके फैंस सो कॉल्ड जिगर के छल्लों के मन में आक्रोश की लहर दौड़ रही है। तो आइए मिलाते हैं आपको कुछ जिगर के छल्लों से। एक मिनट भाई साहब, आप लोग 3-4 दिन से यहीं पड़े हैं, आखिर क्या फर्क पड़ता है गोबर जोन से? हमें ना रेड जोन से फर्क पड़ता है ना ओ जोन से, हमें फर्क पड़ता है तो सिर्फ गोबर जोन से। तो देखा आपने, ये है क्रेजी गोबर की सुपर क्रेजी फैन फॉलोइंग। वो तेरी बात तो किस मामले में जा रहे हैं यार है? जब मैं पार के जेब कितने भरे हुए हैं यहाँ पे सारे। खैर, अब सवाल होता है कि कौन है गोबर और क्या है उसका जोन और क्यों है वो सलाखों के पीछे? आखिर क्यों, आखिर छल्लों को बस यही इंतजार है कि कब गोबर भाई बाइज्जत बरी होंगे और अपना नया ब्लॉग डालेंगे, बाइंग 25th कार फ्रॉम यूट्यूब मनी। क्यों किया गोबर जोन को गिरफ्तार? सीधा फांसी भी तो हो सकती थी। और क्या अब गोबर जोन के व्लॉग्स ना आने से क्या बढ़ सकता है देश के यंगस्टर का IQ लेवल? और क्या अब अच्छे क्रिएटर्स को भी मिलने लगेंगे स्पॉन्सर? गोबर से गोबर जोन तक की पूरी कहानी हम सुनाएंगे हमारी जुबान। तुम्हारा भाई आ गया जेल के अंदर, सोचा अपने फैंस के लिए थोड़ा रिलेटेबल कंटेंट शूट कर लिया जाए। तो भाई फटाफट जाओ कमेंट में और मुझे बताओ मेरी चोर वाली ड्रेस कैसी लग रही है। चलो चलते हैं। कैसे बैठे हो जेल में, क्या मैटर हो गया? तो भाई मेरे को लगता है ना इस कैदी ने ना किसी के ब्लेड मारा और भग के आ गया जेल में। तो आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि गोबर भाई आप जेल में कैसे? तो अगर मैं शुरू से बताऊं तो भाई व्लॉगिंग का ना मेरे को बचपन से बहुत ज्यादा शौक था। और मेरी मम्मी बताती है कि जब तू पैदा हुआ था ना गोबर, तो तेरे हाथ में एक सेल्फी स्टिक थी और जुबान पे यो 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 यो। घर में ना व्लॉगर आ रहा है, रखना है या डस्टबिन ला? बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, अब आज भी उड़ाते हैं, पर उन लोगों को गलत साबित करने के लिए तुम्हारे भाई को बनना था व्लॉगिंग का मिद्दू सूसे वाला और जट्टा मुकाबला। 10 मिनट की तहनी जट्टा मुकाबला। मैं व्लॉगिंग को लेके ना बहुत सारा फोकस्ड था, बहुत सारा फोकस्ड। मैंने अपना पहला व्लॉग हाउ टू फ्लाई काइट इन देसी स्टाइल आज से 4 साल पहले बनाया था, 4 साल पहले। Hey guys, तो ये मेरा पहला व्लॉग है
और मैं आपको आज काइट उड़ानी सिखाऊंगा और देखते हैं पेचे कैसे लड़ाते हैं। और ये मेरा दोस्त है महेश, आईफोन वाला महेश, ये आज हमारी हेल्प करेगा। तो जा भाई जा, आजा पीछे लड़ाते हैं, जा जा पीछे जा और पीछे जा जा। तो गाइज अगर आपको देखना है कि मैं काइट कैसे उड़ाता हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी महेश। और उस दिन के बाद से तो मुझसे महेश मिला ही नहीं, और मुझे अपना पहला व्लॉग महेश के चक्कर में ना 8 घंटे का अपलोड करना पड़ा, क्योंकि कैमरा ऑफ करने का काम तो उसका था ना। और जब मैंने अपना पहला व्लॉग डाला तो उसके अंदर मुझे लोगों से बहुत सारे कमेंट्स में खूब सारी गालियां मिली कि टट्टी वीडियो, तेरी शक्ल भी टट्टी है, स्क्रिप्टेड व्लॉग, कैसी कैसी वीडियोस बनाता है, डूब के मर जा, चैनल बंद कर दे, डिलीट कर दे। पर मैंने व्लॉगिंग करना नहीं छोड़ा, मैं व्लॉग डालता रहा। और मेरा दूसरा व्लॉग बहुत ज्यादा डिफरेंट था, ओनली वन इन इंडिया, और इसके अंदर तो मैंने एडिटिंग भी की थी। और इस वीडियो के कमेंट्स तो इस बार थोड़ी ज्यादा गालियां पड़ गई थी। पहले तो मुझे लगा कि YouTube में ही कोई ग्लिच है, फिर मेरे को समझ आया कि भाई अगर व्लॉग को वायरल करना है ना तो मुझे अपनी टारगेट ऑडियंस को ही टारगेट करना पड़ेगा। मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैं अपनी ऑडियंस को ढूंढने मार्केट चला गया। हाँ भाई जिगर के चल्ले, ये देख तेरा भाई लाया गुची की फर्स्ट कॉपी। इससे बढ़िया तो मेरी ये जारा की। यो 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 यो। एक अच्छा व्लॉगर बनने के लिए आपको अपने हाथ में 24x7 कैमरा चाहिए ही चाहिए। और अगर आपको उस व्लॉग को वायरल करवाना है तो आपको सिर्फ चाहिए 3 चीजें, शो ऑफ, हाई पावर, एनर्जी। और एक बहुत ही बढ़िया ना, लास्ट 2 व्लॉग में ना मेरे को बहुत गालियां पड़ी, बहुत गालियां। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लूं, क्यों ना मैं अपने नाम में ही गाली डाल लूं। पानी वानी पी लेते हैं तो तुम्हें तो पता है भाई, तुम्हारा पाई पीता है वर्ल्ड का ओनली वन इन इंडिया का वाटर, जो कि सिर्फ विराट कोहली और गोबर जॉन पीता है। यो 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 ले भाई, गिविंग वाटर टू पुअर पीपल। यो 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 यो
यो गाइस, तो भाई ये बंदा ना मेरे को बहुत देर से घूरे जा रहा है यार। तो मतलब मेरा ना बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया भाई। मेरे को समझ नहीं आता क्या करूं। पहले मैं अपनी हरकतों से पकड़ा जाता था, आजकल लोग मेरे को मेरी गाड़ी से पकड़ लेते हैं। लगता है मेरे को ये जिगर का छल्ला मिल गया यार। ओ भाई बिग फैन बोलना मेरे को। यो 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 यो। तो भाई मुझे लगता है अब तो भाई नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। तुम लोग पूछते हो ना भाई, तो गोबर भाई इतना पैसा कहाँ जाता है। तो भाई अब आएगी न्यू कार फ्रॉम यूट्यूब मनी। यो 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 यो। तो भाई तुम्हारे भाई ने फाइनली ले लिए यूट्यूब मनी से अपनी कार। यो 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 यो, वो भी खोलने वालों। तो भाई तुम्हारे भाई ने पुरानी वाली कार बेच दी, मैंने कहा मजा नहीं आ रहा था यार, तो ये लिए मैंने फाइनली न्यू कार फ्रॉम यूट्यूब मनी। गोभी को देंगे। यो 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 यो। तो इस बार मैंने व्लॉग में ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो मैंने हर बार की तरह वही किया जो मैं करता था, व्लॉग अपलोड किया और सो गया। और जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि भाई साहब YouTube हैंग हो गया। तो फिर बाद में मेरे को पता लगा कि मेरे फोन में ही कोई प्रॉब्लम आ रही। तो फिर मैंने दोस्त के फोन में जब YouTube पे जाके अपने कॉमेंट सेक्शन चेक किया ना, तो वहां पर इस बार गालियां नहीं थी, इस बार वीडियो पे लाइक्स थे। तुम्हारे भाई की वीडियो ना वायरल हो रखी थी पूरे इंटरनेट पे, और तुम्हारा भाई बन गया था वन एंड ओनली गोबर जोन। फिर क्या था, तुम्हारे भाई ने चालू कर दिए बड़े बड़े कोलैब मारना। तो मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा कोलैब था मेरी मम्मी के साथ। गोबर बचपन से टैलेंटेड नहीं, टैलेंटेड तो नहीं था, लेकिन हाँ कुछ बात तो थी उसमें जो उसको दूसरों से बड़ा अलग बनाती थी। गोबर अपने ब्लॉग्स में ना रियलिटी दिखाता था, कुछ भी ना स्क्रिप्टेड नहीं होता था। मैं तो यही कहूंगी कि अरे मैं अगर घर पे एक लड़की लाऊंगा दुल्हन बनाकर और मैं बोलूंगा मैंने उससे शादी कर ली, तो आप मेरे को मारोगे ना? तो आपने मेरे को मारना है, देखो ऐसे ऐसे मारना है, गुस्सा होने यार। क्या मारना है? हाँ मम्मी मारना है, उससे व्यूज आएंगे, व्यूज है, व्यूज आएंगे। शादी का प्रैंक भाई, मम्मी को गुस्सा दिला देंगे आज। यो 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 यो। मम्मी मैंने शादी कर ली। क्या शादी कर ली? हाँ मम्मी, पैर छू। अरे हाँ मम्मी मैंने शादी कर ली। अच्छा शादी कर ली तूने? अच्छा। अरे मम्मी तेज मारो ना, क्या कर। अरे मम्मी मार, अरे मार के रही हो, मार के रही हो, अरे रहन दो, अरे 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 बेहोश हो जा, मार रहन दो, अरे ओ गाइस देखो, ओ अरे ना मैं रुक जा, अरे मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था भाई, प्रैंक था। वो देखो कैमरा, अरे ये देखो, यो 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 यो, प्रैंक था यार। आप भी कॉमन सेंस लगाओ, कोई लड़के के साथ लड़का शादी कर सकता है क्या? ओ भाई एपिक प्रैंक। वो भाई देख रहे हो, तुम लोगों के लिए इतनी मार खा दो, इतनी मेहनत कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यो यो यो। और मेरा दूसरा कोलैब था मेरी खुद की टीम के साथ, और मेरी टीम के अंदर टोटल 6 डिपार्टमेंट है, एडिटर, राइटर, डीओपी, डायरेक्टर, स्पॉट और मेकअप। पर बंदा एक ही है, पिशाच बाबू, वेरी स्वीट गाय। गोबर भाई का सब कुछ छोटा है मगर दिल बहुत बड़ा,
वो अपनी पूरी टीम यानी मेरा पूरा ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि मुझे गिफ्ट भी दिया करते थे। गाइस तो धीरे बोलते थोड़ा सा, आज हम आ गए पिशाच बाबू के घर पे, तो भाई चलते हैं और पिशाच बाबू को सरप्राइज कम शौक देते हैं। तो गाइस आ जाओ आ जाओ, देखते हैं क्या होगा। मुझे तो लगता है वो डर जाएगा। चल रहा था भाई, डर गया ना। यो 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 मेरे जिगर के छल्लो, तो भाई मेरा मन कर गया था गेड़ी मारने का। मैंने कहा चलो भाई एक लॉन्ग ड्राइव पे चलो, भाई आओ लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो मेरा ये गरीब टीममेट है भाई, ये कैमरामैन है मेरा, तो बड़े टाइम से ना इसका फोन खराब हो गया था। तो मैंने कहा भाई तेरे को सरप्राइज तो देना बनता ही है, तो भाई रेडी है सरप्राइज के लिए? रेडी है भाई। तो भाई को हमने दिया है एक न्यू टेल एक्सबॉक्स दोस्त। और मम्मी के बाद मैंने पापा, पापा की बहन, मेरी बुआ, बुआ के हस्बैंड, फूफा जी, चौकीदार, चौकीदार की बेटी और बेटी का चौकीदार, इन सबके साथ वीडियोस बनाई, फेक वीडियोस। और मेरा चैनल बहुत अच्छा ग्रो हो रहा था, चैनल का मेरा सब कुछ अच्छा ग्रो हो रहा था। पर बुम्बई कर निखिल, फ्लाइंग ईस्ट, ध्रुव त्रिपाठी, इन सबके जैसा ब्लॉगर तो हर कोई बन सकता था, पर गोबर जोन को करना था कुछ अलग, वो अलग जो लोगों के होश उड़ा दे। और इस टास्क के लिए मैंने इंडिया के टॉप मोस्ट 2 लाख राइटर्स में से कुछ 4 या 5 ब्लेड बाजों को हायर किया। गोबर मैं क्या सोची थी कि जो हमारे नेक्स्ट लोग होगा ना, अब हमने उसमें कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, कुछ ना नई जगह एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ के ना कल्चर के बारे में सीखते हैं और ना वहाँ के लोग कैसे रखते हैं ये सीखते हैं। अब इससे क्या होगा कि हमारे ऑडियंस को ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कुछ ना नया सीखने को मिलेगा। गोबर, आई हैव एन आइडिया। मैंने ऑब्जर्व किया है तुम्हारी सारी वीडियोस इंसानों के साथ है। यो 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 यो, तो भाई हम अगली वीडियो बनाएंगे एलियंस के साथ। यो 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 गोबर जोन विद एलियंस। श्रवण भाई हमारी थार चली जाएगी ना मार्स पे? नहीं 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 गोबर, मैं बोल रहा हूँ सारी वीडियोस इंसानों के ऊपर थी, और तुम्हारे पास एक कुत्ता भी है रुपिया। हमें ना ऐसा व्लॉग बनाना पड़ेगा ना जो लोगों के ना होश उड़ा दे, चैन उड़ा दे, लोगों के ना नींद उड़ा दे, उड़ा दे, उड़ा दे, उड़ा दे। और फाइनली मुझे मेरी लाइफ का बेस्ट आइडिया मिल चुका था। रुपया आसमान छू गया था और हर बार की तरह मैं व्लॉग को अपलोड करके सो गया। और इस बार जब मेरी आंख खुली तो सामने मम्मी नहीं पुलिस थी और उनके हाथ में बॉनवीटा नहीं लाठियां थी। लोगों ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी, कुछ पीटा, कुछ एनिमल क्रुएलिटी ऐसा कुछ बोल रहे थे। यार मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, मैंने किसी को पीटा ही नहीं है यार, मैंने तो बस अपने कुत्ते को ही तो उड़ाया है, उसमें पीटा का क्या मतलब। और यहां वीडियो आई बाहर और तुम्हारा भाई जेल के अंदर, पर ये लोग ना तूफान को लाठियों से रोक रहे थे। तुम्हारा भाई जेल के अंदर था पर तुम्हारे भाई के जिगर के छल्ले तो सारे जेल के बाहर खड़े थे, यो 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 कर रहे थे। तो कानून को तो उनके प्रेशर में आके तुम्हारे भाई को बाइज्जत बरी करना ही पड़ा। गाइस मैं तो बाहर आ गया था पर मेरे अंदर का जो गोबर जोन था ना वो तो बेचारा जेल के अंदर ही रह गया था। फिर एक दिन मैंने जेल के अंदर रियलाइज किया कि
ये सब फालतू की यो 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 शो ऑफ स्क्रिप्टेड व्लॉग्स मैं इन सब के लिए नहीं बनाऊं। तो बहुत सैडली मेरे को ये डिसाइड करना पड़ा कि मैं अब से व्लॉग्स आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा और ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ये एक फैक्ट वीडियो है, ट्रुथ वीडियो है। आई लव यू गोबर जोन आर्मी, आई एम सॉरी। गोबर जोन साइनिंग ऑफ। What?